आज जुमे की नमाज के मद्देनजर कानपुर नगर में दो कंपनी आरएफ, दो कंपनी आईटीबीपी, एक कंपनी एसएसबी और चार कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ हमें पीटीएस उन्नाव और जालौन से रिक्रूट्स कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स ही मिले हैं, जो लगभग 500 की संख्या में हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और कानपुर नगर की जो सिविल पुलिस है उसका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोर्स से डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे सीसीटीवी कैमराज खराब हो गए थे उनको हमने सही करा लिया है। शहर में नज़र रखने के लिए आईआईटी से संपर्क करके एरोस्टेट लगाया गया है, जो लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शहर की फुटेज हमें प्रदान करेगा। इसके अलावा जो S10 हैं, सिविल डिफेंस के हमारे साथी हैं और डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। और जो शहर के धर्मगुरु हैं और मस्जिदों के इमाम हैं, उन सब लोगों से थाना लेवल के अलावा जिला स्तर पर भी कल सब लोगों से बातचीत हुई है। जो CAA के पंपलेट्स हैं उन लोगों को वो भी प्रदान किए गए हैं। मोहल्लों मोहल्लों में गलियों में जाकर भी CAA के एक्चुअल स्थिति के बारे में लोगों को बताया गया है। किसी प्रकार के जो स्ट्रेटजी तैयार की गई है, अगर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो वो हमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है फिर हम अपने जो स्ट्रेटजिक पॉइंट हैं उन पे जो वॉक्स फॉर्मेशन में फोर्स को डिप्लॉय कराकर जो है संबंधित जुलूस को निकालने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले वो हमें सूचना इस बात की दें। पिछली बार से कई गुना फोर्स हमारे पास इस बार ज़्यादा है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जब संबोधन में बातें कही गई हैं तो काफ़ी हद तक लोग कन्विंस हुए हैं CAA की एक्चुअल स्थिति के बारे में भी। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी CAA के बारे में चाहते हैं कि अराजकता फैले, ऐसे लोगों से निपटने के लिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। कितने संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्र हैं चिन्हित किए गए हैं, क्या है? कानपुर शहर को लगभग 56 सेक्टर में बांटा गया है। इन 56 सेक्टर में पुलिस अफसर और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो, और 14 जोन में कानपुर को बांटा गया है, जिनमें जोनल मजिस्ट्रेट अपने जोनल पुलिस अफसर के साथ भ्रमणशील कर रहे हैं।